हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी क्लब में। दोस्तों, आज गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ है जो कि हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर से आई है। गंगा एक्सप्रेसवे की DPR जल्द मंजूर होगी, तो पूरी खबर देखिएगा एंड तक। और काम कब शुरू होगा इसका, तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि ये हिंदुस्तान की न्यूज़पेपर से न्यूज़ आ रही है, लाइव है ये। गंगा एक्सप्रेसवे की DPR जल्द होगी मंजूर, PPE मॉडल पर मंथन चल रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे की DPR जो है वो जल्द मंजूर होगी, और PPE मॉडल पर मंथन जो है वो चल रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे से जो ये न्यूज़ आई है, देखिए 15 अक्टूबर की है, और जो है ये अभी आई है 7:01 पर शाम। तो इसके बाद देखिए आप, राज्य मुख्यालय विशेष संवाददाता, मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में अब तेजी आ गई है। औद्योगिक विकास विभाग ने UPDA द्वारा भेजी गई DPR को परीक्षण के लिए वित्त विभाग भेज दिया है। जल्द इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके अलावा अभी यह तय होना है कि गंगा एक्सप्रेसवे सरकार EPC मॉडल पर अपने खर्चे से बनवाए या PPE मॉडल पर, सरकार दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। इस संबंध में निर्णय के लिए 20 अक्टूबर को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। तो 20 अक्टूबर को एक इसी निर्णय में जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं सतीश महाना ने इसी के संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, इसी में निर्णय लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले में इस परियोजना का ऐलान किया था। वह चाहते हैं कि इस परियोजना पर अगले साल निर्माण शुरू हो जाए। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रति किलोमीटर निर्माण पर खर्च होंगे 34.75 करोड़ रुपये। तो मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के प्रति किलोमीटर निर्माण पर 34.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इतने महंगे प्रोजेक्ट के लिए यूपी सरकार अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPE मॉडल का विकल्प आजमाने जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल। इसके बाद देखिए, इसके लिए निजी डेवलपर की तलाश की जा रही है जो अपने खर्च से बनवाए और टोल टैक्स वसूले। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, दक्षिण कोरिया की सुगंजी कंपनी ने इस एक्सप्रेसवे को PPP मॉडल पर बनवाने की परियोजना में रुचि दिखाई है। उसका इरादा 22,800 करोड़ रुपये का निवेश करने का है। यूपी सरकार अपने खर्चों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तेजी से बनवा रही है। इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में सरकार अपने नवीनतम परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए PPP मॉडल में के विकल्प देख रही है। UPDA ने औद्योगिक विकास विभाग से कहा कि PPP मॉडल पर विचार किया जाए। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई 594 किलोमीटर की है। यह अब तक सबसे विशाल परियोजना है। अगर PPP मॉडल पर बात नहीं बनी तो सरकार EPC मॉडल पर यानी अपने खर्च से बनवा कर संचालन करने का भी विकल्प खोले हैं। इसलिए वह अतिरिक्त आमदनी के रास्ते बताने व वित्तीय संस्थाओं को लाने के लिए सलाहकार कंपनी को नियुक्त किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर से न्यूज़ आई है, आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। 20 अक्टूबर को जो है औद्योगिक विकास मंत्री उनके सतीश महाना जो हैं उनके संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि PPP मॉडल पर बने या EPC मॉडल पर। तो देखते हैं क्या होता है। अब गंगा एक्सप्रेसवे की DPR जल्द मंजूर होगी, तो वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।